बात करते हैं कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे शुरू कर सकते हैं, आप क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है दूसरे सेक्टर्स के कंपेयर में। आपको कई तरह के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आप प्लांट और बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। इसके लिए आपको दो तरह के मेनली रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट वन जो होता है वो है अपना क्या कहते हैं फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, दूसरा है वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP सर्टिफिकेट शेड्यूल हैम जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में लिखा हुआ है उसके अंतर्गत आपको इसको करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाए। सबसे पहले जो भी एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको क्या कहते हैं बेसिक नॉलेज होना जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग की, एनालिटिकल की, या आपके पार्टनर को ज़रूरी है या फिर आपको ज़रूरी है उसमें जो नॉलेज होना है। अगर आप इन दोनों में से किसी को नहीं है तो आप कोई इम्प्लॉई रख सकते हैं जिनको ये सब जो नॉलेज है। बिना नॉलेज के तो करना एक रिस्की काम होता है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। सबसे पहला जो मेन स्टेप रहेगा वो एक प्रीमिसेस ढूंढना जो GMP स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। स्पेस और अगर रिक्वायरमेंट की बैरियर की बात करते हैं तो वो एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए आपके पास सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, रॉ मटेरियल को रिसीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे होगा, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होगा जो जहाँ पे आपका क्वालिटी रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, वो सारा आपके पास एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। उसके अलावा फिनिश गुड्स जो स्टोर होगा, रिजेक्टेड गुड्स होगी जहाँ पे आपका ऑफिस होगा, इनके लिए आपका जो प्लांट होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक आपके पास एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए सबको वो करने के लिए। डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट एरिया चाहिए। अभी सेक्शन वाइज बात करते हैं यहाँ पे कितना मिनिमम एरिया आपको मिनिममी रिक्वायर रहेगा। जब हम एक्सटर्नल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वो मेनली मिनिमम एरिया 30 स्क्वायर मीटर रहता है जो जहाँ पे मशीनरी लगती है, 10 स्क्वायर मीटर जो एंसिलरी रहता है जब पासिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, जब आपको एक सेक्शन से दूसरे उसमें करना पड़ेगा। लिक्विड के लिए भी 30 स्क्वायर मीटर का रहेगा, 10 स्क्वायर मीटर एंसिलरी रहेगा, टैबलेट सेक्शन के लिए वो 60 स्क्वायर मीटर का रहेगा और 20 स्क्वायर मीटर का एंसिलरी एरिया रहेगा वो अनकोटेड के लिए। अगर आपका कोटिंग सेक्शन भी है तो आपको सेपरेटली 30 स्क्वायर मीटर और चाहिए बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए, 10 स्क्वायर मीटर जो आपको एंसिलरी एरिया के लिए एक्स्ट्रा चाहिएगा। कैप्सूल सेक्शन के लिए जो होता है वो 25 स्क्वायर मीटर होता है और 10 स्क्वायर मीटर एंसिलरी एरिया के लिए रहता है। पाउडर के लिए 30 स्क्वायर मीटर एरिया बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए और 10 स्क्वायर मीटर एंसिलरी के लिए आपको चाहिएगा। ऑप्थैल्मिक सेंसिटिव पार्ट होता है वो सेपरेट प्लांट होता है, वो आपसे टैबलेट कैप्सूल के साथ नहीं लगा सकते, उसका एरिया 25 स्क्वायर मीटर और 10 स्क्वायर मीटर एंसिलरी के लिए। पेनेंट्रल में भी यही बात होती है, उसमें 150 स्क्वायर मीटर का आपको मशीनरी के लिए चाहिएगा और 100 का आपको उसके लिए चाहिएगा। अब रिक्वायरमेंट और लाइसेंसेज की बात करते हैं क्या क्या चाहिएगा। सबसे पहले तो प्रमिसेज बिल्डिंग जो जंप WHO या शेड्यूल एम के GMP स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। उसके बाद आपकी जो फॉर्म है, जो कंपनी है, उसकी कंस्टिट्यूशन डिटेल चाहिएगी, वो आप सेटअप कर लीजिए। सेक्शन वाइज पार्टीशन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपका हर सेक्शन अलग अलग होना चाहिए, टैबलेट अलग, कैप्सूल अलग और लिक्विड अलग होना चाहिए। मशीनरी और इक्विपमेंट्स की लिस्ट आपको चाहिएगी और टेक्निकल पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट या एनालिटिकल केमिस्ट वो आपको HVAC एयर वेंटिलेशन एयर कंट्रोल यूनिट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वर्कर और सप्लायर्स, लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो जो आप बनाना चाहते हैं, NOC अगर किसी डिपार्टमेंट से चाहिए जैसे पोल्यूशन बोर्ड से या म्यूनसिपल कमेटी से चाहिए होती है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिएगा और साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी चाहिएगा क्योंकि आप स्टोर करेंगे मेडिसिन उसके बाद सेल आउट करेंगे तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी, होलसेल लाइसेंस भी आपको चाहिएगा साथ में। और रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आपको कराना, अगर आपके एम्प्लॉय नंबर ऑफ जो लिमिट है उससे ज़्यादा होंगे तो फैक्ट्री एक्ट के अंडर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रॉ मटेरियल सप्लायर्स, पैकिंग मटेरियल सप्लायर्स जहाँ से आप अपना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, पैकिंग मटेरियल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप एथिकल मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग कंपनी चाहिएगी जिन पे अब वो करेंगे। टेस्टिंग लेबोरेटरी भी चाहिएगी जहाँ पे आप मेडिसिन की टेस्ट रिपोर्ट करेंगे, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह तैयार करेंगे। GST भी आपको लिए कंपलसरी होगा लेना। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसीजर की बात करते हैं, कोई भी जिस कंट्री में, मोस्टली कंट्रीज में ड्रग और कंट्रोल अथॉरिटी किसी कंट्री की वो करती है, जैसे USFDA हो गया, DCGI हो गया, इंडिया में DCC हो गया, साउथ अफ्रीका में, जो इंडिया में आता है वो स्टेट के अंडर में आता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, वो किसी भी स्टोर के कैपिटल में मोस्टली इनका, स्टेट कैपिटल में मोस्टली इनका ये रहता है, ऑफिस रहता है।
और ये एक कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं इसमें, लेकिन आपको स्टेट ड्रग कंट्रोलर के अंतर्गत अप्लाई करना पड़ेगा। अपनी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे आप कंप्लीट कर लीजिए और अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए कंसर्न अथॉरिटी को। वो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, जो भी स्टेट जिसको वेरी करता है। उसके बाद जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है वो आपके प्लांट को इंस्पेक्ट करेगी। अगर सब कुछ लॉ के और GMP के अकॉर्डिंग पाया जाता है तो आपको अप्रूव कर दिया जाएगा मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस। उसके बाद आप मैनुफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं उस एरिया में। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो कवरिंग लेटर रहेगा, जिसपे प्लांट का नेम, एड्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस रहेगा। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में और फॉर्मेट में साथ में लगेगी। जो फीस होगी वो आपको साथ में देनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी डिटेल, फॉर्म की पार्टनरशिप है या कंपनी है, वो सारी साथ में लगेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आपकी प्रमिस अपनी है तो ओनरशिप प्रूफ लगेगा, अगर रेंटेड है तो फिर रेंटेड प्रूफ लगेगा, वो सारा साथ में इसके साथ लगाना पड़ेगा। अथोराइज्ड पर्सन है जो, अगर प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, उनके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ साथ में लगेंगे। इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ है, जो मैनुफैक्चरिंग केमिस्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट है, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके अप्रूवल सर्टिफिकेट कॉपी लगेगी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट उनके साथ में लगेंगे, लिस्ट ऑफ मशीनरीज लगेगी, क्या क्या लिस्ट आपको लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स आपके वहाँ पे हैं, साइट मैप और ब्लू प्रिंट लगेगा प्लांट का, जो जो भी उसमें रहेगा, डिजाइन और लेआउट, HVAC सिस्टम का पूरा डिजाइन और लेआउट साथ में लगेगा। ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इसमें। आप जो जो मेडिसिन बनाना चाहते हैं वो सारी उसकी लिस्ट आपको साथ में सप्लाई करनी पड़ेगी। वाटर एनालिसिस रिपोर्ट साथ में लगेगी। NOC अगर किसी डिपार्टमेंट से चाहिए वो साथ में लगेगी। अगर आपका फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसकी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफिकेट कॉपी साथ में लगेगी। अगर उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आप हमारे उस पे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है, या इस वीडियो के साथ जो लिंक अटैच होगा उस पे आप पढ़ सकते हैं। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें हमारी मेल ID पे मेल कर सकते हैं, pharmafranchisehelp@gmail.com, या आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.pharmafranchisehelp.com। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। बात